आजमगढ़ में पिछले दिनों रेल की पटरी पर छत बिछत हालत में मिले शव के मामले में मृतक की पत्नी ने अपने ही स्वजनों पर संपत्ति विवाद को लेकर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस इस रहस्यमय मौत को आत्महत्या बता रही है तो वहीं मृतक की पत्नी इसे साजिश बता रही है। न्याय की तलाश में दर दर भटक रही पीड़िता ने अब पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। रानी की सराय थाना क्षेत्र के बांकीपुर ग्राम निवासी पुष्पा देवी का आरोप है कि बीते 20 जुलाई की रात संपत्ति विवाद के चक्कर में परिवार के लोगों ने ही उसके पति की हत्या कर दी और साँच को छिपाने के लिए शव को रेल पटरी पर लिटा दिया। मृतक की पत्नी का यहाँ तक कहना है कि उसे पति के शव को भी परिजनों ने देखने नहीं दिया, जबकि परिजनों और मृतक के बीच कुछ समय पूर्व बेची गई संपत्ति के एवज में मिले रुपए के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते मृतक को कई बार जान से मारने की धमकी भी मिली थी। इस मामले में पुष्पा देवी ने पति की रहस्यमय मौत के मामले में जांच कराने के लिए शिकायती पत्र भी दिया है, लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया गया और न ही कोई कार्रवाई की गई। शुक्रवार को पीड़िता ने इस मामले की जांच कराने के लिए पुलिस अधीक्षक दरबार में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि महिला को न्याय मिलता है या यूं ही भटकती रहती है। आजमगढ़ से महंत दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जैसे कि हमारे आदमी का हत्या हो गल, जैसे जमीन बिके। क्या नाम है आपका? हमारा पुष्पा देवी। कहाँ के रहने वाली? बांकी को। क्या घटना हुई है? जैसे हमारे आदमी का हत्या हो गल है तो जैसे जमीन बिकल रहा तो 12 लाख में बिकल रहा है, 8 लाख घोषित कहीं नहीं हमारे ननद परेमा, तो जैसे कि हमारा आदमी अपन हिस्सा मांगे लगना है तो ना देवे के चक्कर में उनके मार के रेलवे लाइन के सुता देने लगा। सवेरे जैसे प्रधान और परेमा और उर्मिला गईनी लोगन वहाँ, हमके मालूम ना रहल कि कैसे घटना भैल है। जैसे गांव में गुजमुज गुजमुज भूखे लगल तो हमार जेठान आके बतौनी कि ट्रेन से कट के मर गल वहाँ, तब वहाँ जैसे कि हम प्रधान के फ़ोन कैली, हमके केहू बतौला ना कि ट्रेन से कट के मर गल वहाँ, जिससे गांव में हल्ला भैया, तो हम प्रधान के फ़ोन कैली तो वो कहना कि हम प्रधान से पूछ ली कि भैया के है तो कहाँ कि हुआ ट्रेन से कट के मर गल है, तो हम कली वहाँ के पहुँचल है भैया तो कहना कि जैसे तार ननद प्रेमा और उर्मिला हैं बस उकरे बाद आई ना अमरीकन जैसे बीओसी हालत में साइन करवा लेना सादा पेपर रहा साइन करवा के जैसे कि अब वो पे लिखवा देना कि ट्रेन से कट के मर गल है। साइन कौन कराए? प्रधान का लड़का राकेश। आप कहाँ, ससुराल में थी या मायके में? नहीं, ससुराल में थी। जी, तो क्या लगता है कि हत्या हुई है या अपने साथ? जी सर, हत्या भैया। आप थाने पे गई थी? हाँ, थाने पे गल नहीं। क्या हुआ? कौन सुनवाई ना होता सर, वो जैसे दरोगा साहब कहना कि ट्रेन से कट के मर गल है तू लिखो लो, हम कहीं सर नहीं हम ना लिखो ले। तो क्या आप क्या चाहते? क्या हम चाहते सर की सजा हो?